200 रुपये का गाइड मिल गया हमें। वन में यहाँ पर यादव बैठा रहता लाल मुंह करके। 100 पर हेड टिकट है यहाँ पे। ये है गणेश द्वार की सर कैरी कार्ड है। ये उस जमाने का रानी का टॉयलेट था, दुनिया का पहला सीसमहल राजा का कक्ष था यहाँ पे। आज दरबार पे तुलसी खा रहे अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बड इज टुगेदर। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं राजस्थान का अंबेर फोर्ट देखने। आज मेरे साथ है आकाश भाई, भाई बोल इधर है ओमिदा। अजमेर फोर्ट, अजमेर फोर्ट का तालाब जो कि मेन सोर्स ऑफ वाटर था अजमेर फोर्ट का, जब यहाँ पे राजा महाराजा हुए करते थे। अभी यहाँ से हमने जीप लिया है, ये काफी बहुत ही बड़ा फोर्ट है तो इसको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, और अभी जीप लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। और जीप का प्राइस है 500, एक जीप का 500, और हमने गाइड भी लिया, हमारे साथ गाइड भी है, 200 रुपये का गाइड मिल गया हमें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये बंदे का ट्रिप का स्पॉन्सर सन दिया मलिक। और हम निकल पड़े हैं। हमने जो नाम है यमुना माता है उनके नाम से टाउन का नाम सेलेक्टन अंबेर रखा गया, तो मीनिंग जो होती है उसमें होता है एमबीएल के जो बी साल के बोलते होते हैं अंबेर बन गया। तो जयपुर है 295 का हुआ अभी तक। अमेर सिटी अंदर ही है क्या? हाँ, ये अमेर सिटी के अंदर में जो आप देख रहे हैं, अमेर गोल्ड कैपिटल सिटी है ये। तो ये जयपुर है, पहले कुछ भी नहीं था, जंगल एरिया था, वो पानी का कुंड था, सरस पैती कुंड, महालक्ष्मी कुंड। ये बता दे चलिए क्या है। हाँ, ये जो टू नेम पे जाना जाता है, फर्स्ट टाइम स्टेबल, दूसरा पनामिना कुंड। पनामिना कुंड पानी का कुंड है ये। अच्छा, ओ हो गाइस, ये तो मूवी में देखा था मैंने। अच्छा, ये देखो कितना किराया, 5 रुपया किराया। अच्छा, वैसे नीचे में जाना अलाउ नहीं है, तो गर्मी में पानी नीचे, बारिश में पानी का स्तर ऊपर आ जाता है, ये पूरा फुल हो जाता है, ये बारिश में ऊपर तक आ जाता है। अच्छा, अभी जो पानी है 10 फुट का गहरा है। हाँ, 10 फीट नीचे बाकी दलदल है। अच्छा, मूवीज में रानी मुखर्जी पहली अभी बुलबुलिया 2 आई थी। हाँ जी, उसमें तब्बू तांत्री से बात करके चर्चा आती है, बोले मावस के दिन को कैद करेंगे। बुलबुलिया 1 में राजपाल यादव बैठा रहता लाल मुंह करके, असरानी साहब की बेटी पुष्पा का जारी गधे पे। इसमें था क्या? अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठ कर? और यहाँ दबंग 3 में चूरी का मार्केट बना के साड़ी का पल्लू घुमा के गाना है इसमें। सलमान खान फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए है किला का एकदम मेन द्वार पे। अभी यहाँ से पूरा पैदल ही चलना है, पैदल घूम के फिर इसी स्पॉट पे आएंगे हम लोग, फिर यहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ का लोकल। जैसे अकबर के दरबार में देखी हुआ काम सुनते, वैसे जयपुर दरबार में अपना म्यूजिक कार्यक्रम करते, भोपाल जाती है। और ये वादी इसको कहते हैं रावण हत्ता। अच्छा, शिव जी को खुश करने के लिए रावण ने ये वादी अंत वाली, इसका नाम रखा गया रावण हत्ता। अच्छा, राजों के टाइम में अपना म्यूजिशियन कार्यक्रम पेश करते थे। अच्छा, हम घुस गए अंदर। ये जो पैलेस का अपन देख रहे हैं, इसको अमर पैलेस के नाम से 1590 में बनना स्टार्ट और 1727 में बन के तैयार हुआ है। वो ऊपर नीचे में काली मंदिर है, ये गेट के ऊपर बैठे वो ग्रीन कलर का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये वहाँ पे बजाते थे, वो जो सामने जो वास्तवर दिखा दे रहे हैं ना आपको। हाँ जी, वहाँ पे दुश्मन आएगा, तेजी से मेहमान आएगा, कैसे बजाएगा। अच्छा, वहाँ से ऊपर सामने
हाँ जी, यहाँ राजा लोग बैठे तलवार बाजी यहाँ पे देखते हैं। नीचे जो कमरे में राजाओं की घोड़े रखने का जगह। अच्छा, ये 2013 में फॉर हेरिटेज साइड में आ गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने गार्डन को हटाकर ये पत्थर ये लाइट वगैरह नया किया गया। अच्छा, और गाइस ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये अंदर जो महल का अंदर घुसने के लिए भी टिकट लगता है। अंकल जी ने बताया कि 100 पर हेड टिकट है यहाँ पे, रात्रि में 9 बजे तक खुला रहता है और रात का 9 बजे तक खुला रहता है ये जगह। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। और फ्रेंड्स हमने अभी टिकट ले लिया, अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। शिला माता का मंदिर है ये। और गाइस अभी जस्ट हम लोग राजा का जो मंदिर था अंदर में, वो मंदिर का दर्शन करके आ गए। यहाँ पे मंदिर पे वीडियो करना अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया अंदर। तो गाइस जैसे कि हमें अभी गाइड ने बताया, जब राजा का टाइम पे मीटिंग वगैरह करना होता था, तो राजा आके यहाँ पे बैठ जाते थे बीच पे। और ये जो आसपास जगह दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्रजा आके बैठती थी। तो राजा जो भी अनाउंसमेंट करना होता था यहाँ पे करते थे। तो इसको बोलता है दीवान ए द्वार। और जितने भी प्रजा थे वो बस यहीं तक आ सकते थे, यहाँ से अंदर जाना उनका अलाउड नहीं था। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है गणेश द्वार, इसके अंदर ही राजा का रूम कमरा हुआ करता था। और जो ऊपर आपको छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, वहाँ से रानी, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी प्रोग्राम चलता था, रानी वहाँ पे बैठ के देखती थी। अंदर में ये शीश मतलब उसको बनाने वाली तो आटिका दलाराम थी, दलाराम के नाम से, ये दलाराम मोहन लाल के नाम से मोहन गार्डन। ये क्या है बीच वाला, ये दूसरा गार्डन, इसका नाम है मोहन गार्डन की। राजा जीत सिंह थे कश्मीर से केसर लेके आए। अच्छा, लेकिन केसर क्या है ठंडी जगह में, इसलिए गार्डन का नाम रख दिया केसर क्यारी गार्डन। अच्छा, यहाँ पे केसर लगाया गया। ओके, उगी नहीं यहाँ की, ट्राई करी थी यहाँ के राजा जीत सिंह ने। अच्छा, हॉट जलवायु होने के कारण वो चीज सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए गार्डन का नाम रख दिया केसर क्यारी। है क्या नजारा है, कल तक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। और गाइस ये उस जमाने का रानी का टॉयलेट था, ये तो राजा का टॉयलेट था। ये देखिए ऐसा टॉयलेट हुआ करता था राजा का नहाने का इधर। और दोस्तों यहाँ पे था राजा का नहाने का जगह। रानी का था कि राजा का था, ये दो टैंक बना के इसमें रखते थे ठंडा पानी। अच्छा, जैसे गीजर होता है इधर लगा के ऊपर से डाल के पानी गर्म हो जाता था। अच्छा, ये नाली बनी थी इसमें, इसको कहते हैं जो कुछ, ये इसका मसाज रूम है, इधर भी चेंजिंग रूम है। ओके, और नहाता कहाँ था उधर? ये नाली का बाथरूम बना हुआ है, इसमें से गर्म पानी, इससे ठंडा पानी, नीचे में नाली है, नाली से बाहर चला जाता था। खुशबू के लिए गुलाब इस तरह डाल के रानी को नुहाते थे। अच्छा, उसके बाद दासियां चारों तरफ में खड़ी रहती, हाथ पकड़ उनको बाहर निकालना थे। और लाइट के लिए दिन में 40 रोशनी, रात में चिराग दीपक जलाते थे। ये है शीश महल रानी का। और यहाँ पे इतने सारे मिरर लगे हुए हैं, देखो अगर ऊपर में आप टच जला के मारोगे ना लाइट, तो पूरे तारे दिखाई देते हैं। ये देखो कैसे चमक रहे हैं। पहले मोमबत्ती से करते, पहले रानी का टाइम में यहाँ से मोमबत्ती से ऐसा किया करते थे। ये पूरा गाइस ग्लास से बना हुआ है, देखो ना पूरा तारा तारे तारे दिखते हैं ना। ये तारे मोबाइल लोग अपना नाम वगैरह लिखे नहीं, देखो सामने नाम लिख रखा है, इसलिए अंदर जाना बंद करा नहीं। तो एक मच दिन में तारे देखो रूम को बंद करके। अच्छा, ये दुनिया का पहला शीश महल यहाँ बना, उसके बाद उदयपुर आगरा इंदौर पटियाला मनाया गया। ये सर्दी में रहने का मैंने बताया ना, राजा जीत सिंह अपनी रानी के लिए सर्दी में रहने का है। ये चार कोने में 4 दिनों से पूरा कमरा गर्म हुई, बीच का होल है दीवाने खास। उसमें जो आदमी लेके जाएगा तो 500 में से 200 उसको मिल जाते हैं। उसमें गायत्री, अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम, मरेटर, इनके सबके मोम के पुतले बने हुए। राजा अगर कुछ लड़े जीत यहाँ से रानी फूल गिरा के वेलकम करती थी। अगर ये नीचे में प्रोग्राम हुआ करता था, कोई भी प्रोग्राम हो तो रानी यहाँ से दिखा देती। ये रानी का घूमने का गार्डन, इसमें अशोक के बड़े बड़े प्लांट लगे थे। अच्छा, जोधा अकबर में कहने को जिसमें कबूतरों को दाना खिलाते हुए दिखाया यहाँ से।
तो गाइस ये अंकल ने जैसे बताया, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये था सब, ये दासियों का क्वार्टर हुआ करता था। यहाँ पे जितना भी रानी के दासियाँ थी वो यहाँ पे रहती थी। और ये जो एरिया है, यहाँ पे रानी आके अगर उसको दासी को बुलाना है तो यहाँ से ताली बजाती थी, तो ताली का आवाज़ सुनते ही दासियाँ सब ऊपर आ जाती थी। राजा ऊपर भी, रानियाँ नीचे भी। राजा को इधर भी जाने का मन करेगा। अच्छा वो वाला दीवार होने का दूसरी रानी को मालूम नहीं राजा कौन सी रानी के पास में है। ये था राजा का कमरा और यहाँ पे पूरा ताला वाला मार के रख दिया राजा का कमरा। तो ये थे राजा का कमरा और यहाँ से राजा किसी के भी पास, रानियों के पास जाया करते थे। ये जो रास्ता था रानियों का कमरे में जाने का रास्ता था। और ये जो था राजा का कक्ष था यहाँ पे, अभी ताला मार के रख दिया गया। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा रानियों का कक्ष हुआ करता था। अभी कहाँ जा रहे? रानी के रूम पे। अभी हम जा रहे हैं गाइस रानी के रूम पे। यहाँ से ये देखिए एकदम इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और गाइस ये था रानी का कमरा, ये देख पा रहे हो आप, अंदर है यहाँ पे, लाइट नहीं है। ये है स्टोर रूम रानी का, इसके बिल्कुल सामने उनका कमरा है रानी का। जो बेटा था ना पदम, उसको अपना बेटा बना के आकर राजा बना दिया। तो 2016 में राजा बनाया, वो मैं भी 25 साल का है। तो 25 साल का ड्राइवर का बेटा, राजा ड्राइवर का बेटा। इस टाइम पॉलिटिक्स में आ चुकी है, पहले सुहाई भाई की शादी के 21 साल बाद तलाक। भवानी सिंह जी सोते नहीं, माँ गायत्री देवी, उनका लड़का चल गया था लेन में और वहाँ की राजकुमारी मैंने शादी कर लिया। तो उसको क्या वाइन पीने का सकता, तो वाइन की वजह से वहाँ डेट हो गए। उसके जो बच्चे उन्होंने भवानी सिंह पे प्रॉपर्टी वाले केस कर दिया। वो करे मानी सिंह के पोते करे था लेन के बच्चे। और गाइस ये दूर ऊपर पे जो आपको एक किला दिख रहा है, जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, जब भी राजा का कोई मैसेंजर आता था या फिर कोई फ्रेंड्स लोग आते थे या फिर कोई दुश्मन लोग आते थे, तो उस टाइम एक मैसेंजर वहाँ पे हुआ करता था, वहाँ से मैसेज लेके आया करता था और राजा यहाँ से एडवाइस देता था उनको लाना है कि नहीं। ये राजा भवानी सिंह जी है, इनकी वाइफ है महारानी पद्मनी, इनकी डॉटर है, डॉटर का फैन है ये पद्म सिंह। ये 11 साल का फोटो है इसका, ऊपर में देखिए ये 25 साल का फोटो है इसका। ये अभी का राजा, ये रहा अभी का करंट राजा। छोटा सा गेट, लेडीज वगैरह होती थी वो आट बाहर नहीं जाए, तो बहू को सिखाती इससे भी कि आट बाहर नहीं जाए। 80% 900 परिवार, तो जयपुर भी क्या चीटिंग ठगी होती है। महारानी के नाम से स्कूल और कॉलेज है, महारानी के नाम से कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे जगह दे रखी है। भाई रेट और क्वालिटी की जानकारी भी हो जाएगी, या नहीं जाके कुछ खरीदारी करें अपन, तो रेट और क्वालिटी के लिए नीचे में मीना बाजार बना हुआ है।
अब नीचे है। हाँ, अभी जीते चलेंगे तो जयपुर का यहाँ पे दो चीज फेमस होती है, महल और आर्ट होती है। अच्छा, तो पहले देख लिया, आर्ट नीचे में दिखाई देगा। हम राज दरबार पे कुल्फी खा रहे हैं अभी। कितने का एक अंकल जी? 40 का। अच्छा, 40 का एक कुल्फी, और ये प्योर देसी कुल्फी है, एकदम प्योर देसी कुल्फी ना अंकल जी। ये किससे बनाते हो? इसमें कोई मिलावट नहीं है। कैसे बनाया जाता है अंकल जी? दूध रबड़ी। नींबू पानी पी लीजिए। Thank you so much for tuning with us. Hope you guys like and subscribe and help my friend grow more and more as a vlogger. Thank you so much. Peace out. Acha din tha bahut. We went to Amir Fort with the guide. Acha laga jaan ke Rani Narani. And we got some shopping. Shopping ji. Yes. 15,000 ka. और गाइस, आज का हम लोग का दिन यही समाप्त हो रहा है। हम लोग आज आए थे अमेर फोर्ट घूमने के लिए, राजस्थान का। बहुत ही मज़ा आया, एकदम मस्त जगह था। हालांकि पूरा घूम नहीं पाए हम, थोड़ा जो सुरंग वाला रास्ता था वो 5 बजे बंद हो जाता था, हम थोड़ा लेट आए थे तो इसके चलते हम लोग थोड़ा घूम नहीं पाए। तो होपफुली नेक्स्ट डे आएंगे तो आप लोग को वो भी दिखा पाएंगे। शाम को तो सुरंग में ही जाना था। हरामी हो बेटा, लोकल आर्ट वगैरह था वो हम लोग आपको दिखा नहीं पाए वीडियो पे, क्योंकि ये मना किया गया था वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। लेकिन हमने यहाँ से काफ़ी सारे शॉपिंग किए, तो बहुत ही अच्छा अच्छा सामान थे। हमने करीबन 25,000 तक का शॉपिंग कर लिया सब मिलके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। ढेर सारा प्यार देते रहे, ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके सामने। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।